मेडवा में अपना सॉन्ग कैसे डिटीज करें, अपलोड करें सभी प्लेटफॉर्म पे, हम आपको बताते हैं कैसे होते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, कैसे अपलोड करना है और इसमें क्या बेनिफिट है, क्या कैसे, सब आपको दिखा देता हूँ। साइन अप करेंगे, मैं साइन अप हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक सॉन्ग इसमें अपलोड किया है, स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। 30 तारीख को होगा, रिलीज हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है आपको बता देता हूँ। आप डैशबोर्ड के बाद में चेक करें, रिलीजिंग पे जाएंगे, न्यू क्रिएट, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप वीडियो भी कर सकते हैं, इसका चार्जेस अलग है और फ्री करना है, इसमें भी पैसे वाला है जो जल्द होते हैं, पर मैं आपको फ्री के लिए बताता हूँ। तो आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, आपका गाना किसी और पे चढ़ा है, नहीं चढ़ा है, किसी और पे चढ़ा है तो आपको ट्रांसफ़र करना है, इस पे लाना है मेडवे पे, तो आपको इस पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। या आपका गाना फ्रेश है तो हम फ्रेश की बात करते हैं, फ्रेश पे क्लिक करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कैसे भरना है देखिए, कितना बहुत आसान है भरना, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए, आपको अपना आर्ट लगा देना है, 1400 1400 इंटू का रहना चाहिए आपका, मैक्सिमम 6000 6000 साइज का रहना चाहिए आपका। रिलीजिंग टाइटल डाल देंगे, फिर सिंगल आपका एल्बम है, एल्बम डाल देंगे, मेडवे छोड़ देंगे, आपको रिकॉर्डिंग लेवल, रिकॉर्डिंग लेवल का मतलब ये है कि आपका कंपनी कौन सी, किस कंपनी का वो नाम डाल सकते हैं आप। अब स्क्रॉल करके देखेंगे आपको यहाँ पे सी लाइन का मतलब ये है, सीधा सीधा इसका मतलब है कि आपका कॉपीराइट ओनर कौन है। नहीं है तो इसको आपको प्रूफ नहीं देना है, आपको सीधा सीधा नाम लिख देना है आपका किसी कंपनी पे, या नहीं तो जिस पे है आपका वो कंपनी का नाम डाल देंगे और कौन सा ईयर में हुआ है वो ईयर डाल देंगे। फिर वो चेक करने के लिए बोलेगा कि आप चेक कर लीजिए आपने सही डाला है, आर्टिस्ट का नाम वैसे आएगा, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। ऐसे करके आपको भरना है, नेक्स्ट करके सब फॉर्म भरेंगे, लास्ट में आपको दिखेगा सबमिट करने के लिए, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सॉन्ग आपका सबमिट हो जाएगा। देखिए मैंने भरा है, आपको डेमो दिखा देता हूँ, सब भरा हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे। फोटो फेंडर की प्रोसेस करने के लिए चेक कर रहे हैं, फिर आप ट्रैक
अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर भरते जाएंगे आप आगे, राइटर का नाम, म्यूजिक डायरेक्टर सबका भर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको रिलीजिंग डेट डालना है, 4 दिन 5 दिन आगे पीछे स्क्रॉल करके डाल देंगे, फिर लास्ट में सीएल पे नहीं रहेगा तो आप सीएल पे कर दीजिएगा, आपका सब प्लेटफार्म पे चला जाएगा, जी डिजिटल पे, एप्पल पे, आपको देख लीजिए सब, जियो सावन जो भी हैं, टिकटॉक, यूट्यूब, आपको सभी सोशल मीडिया पे दिखेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सब पे शो करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका देखिए 6 का 6 लाइन कंप्लीट हो गया है, तो आप सबमिट ऐसे कर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कैसे फॉर्म भरते हैं, आपको बता दिए। आपको नहीं समझ में आया तो आप लिंक डाल देता हूँ आपको इसका, साइट का, इस पर आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए और कहाँ से देख रहे हैं हमें ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से और किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर आपको कोई न्यू अपडेट आपको चाहिए कुछ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, म्यूजिक के बारे में हम आपको बता देंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है मेडवे के बारे में और किसी भी सोशल मीडिया पे आपका सॉन्ग चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे तुरंत कमेंट पे। ठीक है दोस्तों।